हल्द्वानी में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बरेली रोड से शुरू होकर मंगल पड़ाव एसडीएम कोर्ट राजपुरा तिकोनिया होते हुए वापस बरेली रोड पर समाप्त हुई। यात्रा में शहर के प्रतिष्ठित लोग और नेता भी शामिल हुए, जिनमें हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश, पूर्व मेयर जोगेंद्र रौतेला और पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी शामिल थे। शोभा यात्रा का स्वागत राजपुरा में पार्षद राधा आर्य और उनके पति विनोद कुमार ने पुष्प वर्षा करके किया। साथ ही जलपान की व्यवस्था भी यहां पर की गई थी। राधा आर्य ने समाज को जोड़ने के लिए महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों पर चलने का आह्वान भी किया। भारतीय समाज के लिए और सनातन धर्म में वो अद्वितीय और वाल्मीकि समाज का भी जो योगदान हमारे क्षेत्र में है, इस देश में है, उनका लोहा सब मान चुके हैं। उसे सारे वाल्मीकि समाज को बधाई देता हूँ, वाल्मीकि भक्तों को बधाई देता हूँ, भगवान श्री वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ। वाल्मीकि समाज के लोग इसका आयोजन करते हैं और सभी समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटीकरण हुआ था इस दिन, तो इसलिए लोग बड़े उत्साह से इसको मनाते हैं। हल्द्वानी में भी आज दो तीन जगह हो रहा, कालाडूंगी में परसों को होगा। तो भगवान वाल्मीकि जी की द्वारा रचित रामायण, मैं समझता हूँ सबसे लोकप्रिय रामायण है। भगवान का जो वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में किया है वो ऐतिहासिक है, इसीलिए लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया। देखिए वाल्मीकि जयंती हल्द्वानी के अंदर राम बारात और वाल्मीकि जयंती बड़े मुख्य त्योहारों में से एक होते हैं। लोग के भीतर एक समाज के भीतर एक बहुत बड़ी जागृति सर्व समाज के भीतर वाल्मीकि जी के प्रति आई है और आगे भी रहना चाहिए। मेरा अपना विश्वास एक मानना यह भी है कि प्रभु श्री राम की लाखों लाखों रिलाए प्रति वर्ष होती हैं इस देश के अंदर। और कितनी बड़ी बात है कि आप समझें कि 108 रामायण नोन है भारत के अंदर। 108 रामायणों का मूल लिखने वाले भगवान श्री वाल्मीकि जी थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सभ्यता, हमारी सनातन संस्कृति के बहुत बड़े प्रथम भागों में से एक है भगवान वाल्मीकि।